चूंकि आपने कहा अभी एलआईज के बारे में और ये कि कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए और लगातार मेहनत करेंगे, इसीलिए मैं उस सवाल पे वापस आना चाहता हूँ कि अभी भी राज ठाकरे के साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अलायंस की कोशिशों की हम चर्चा सुनते हैं। कि मैंने इससे पहले भी इस बात को स्पष्ट किया है कि अभी अलायंस की चर्चा तो कोई हमारी शुरू नहीं हुई है। मुझे जब पूछा गया कि क्या ये अलायंस हो सकता है, तो मैंने कहा हमारी कोई चर्चा नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि पहले उनके साथ अलायंस करने में हमको तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय अस्मिता को तो मानती है, महाराष्ट्र में रहेंगे तो मराठी आदमी की बात तो करनी पड़ेगी, ये क्षेत्रीय अस्मिता है इसमें कोई, लेकिन हम क्षेत्रीय अस्मिता के साथ साथ राष्ट्रीय अस्मिता पर भी काम करने वाले लोग हैं और इसलिए एक्सक्लूजन में राजनीति इसको हम नहीं मानते। आज अगर हम देखें तो राज ठाकरे जी ने मराठी की बात तो करते ही है और करनी चाहिए, उसमें कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उन्होंने अपने विचारों को और व्यापक भी बनाया। आज हिंदुत्व की बात वो करते हैं और एक हिंदुत्व ऐसी चीज़ है जो हमको उनके साथ जोड़ सकती है, तो इसलिए आज हमारी कोई बातचीत तो नहीं चल रही। पर पीछे आपने मुझे पूछा होता तो मैं आपको ये कह देता कि इनके साथ हम कभी जा नहीं सकते। आज मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि उनसे कोई हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी परिस्थिति अब नहीं रही है। हाँ, अभी बातचीत नहीं हुई है क्योंकि हम तीन लोग हैं और इस गठबंधन में किसी को अकोमोडेट करना ये भी तो टास्क है, तो इसलिए अभी हमारी कोई बातचीत नहीं है।